हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड जीके वर्ड। अभी फ़िलहाल एलडीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसका एक चरण तो शायद हो चुका है। अब इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है तो वो मैथ सेक्शन में आ रही है, तो मैथ सेक्शन का से रिलेटेड अपन मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लेंगे, जिससे फ़ायदा होगा आपको। जिसके अंदर मैं सिलेबस में देखें अपन तो चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, साधारण ब्याज, वर्गमूल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुणनखंड, कोण, उनके माप, त्रिकोणमितीय अनुपात, सांख्यिकी और समीकरण मेनली इसके अंदर चैप्टर्स है, जिनको वन बाय वन कवर करेंगे और ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने सही हो सके। सबसे पहले अपन जो टॉपिक लेंगे वो है प्रतिशतता। प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ पर, मतलब पर हंड्रेड। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो, कोई भी भिन्न दे रखी हो या कोई भी साधारण नंबर दे रखा हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो अपन क्या करेंगे, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई प्रतिशत है पहले से, अगर प्रतिशत दे रखा है तो उसको अगर आपको नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करना है या नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई हंड्रेड अपन करते हैं, यही प्रतिशत है। तो इसके ऊपर कुछ टाइप्स अपन देखेंगे, इन टाइप्स को वन बाई वन कवर करेंगे, जिससे मैक्सिमम पोर्शन अपना सही हो जाए। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे 40 का कितना परसेंट 10 है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है ना। तो जनरली प्रतिशत निकालना है और जो चीज़ निकालते हैं उसको अपन रखते हैं ऊपर, जो चीज़ निकालते हैं उसको अपन कहाँ रखते हैं, ऊपर। और जो चीज़ दे रखी होती है, मतलब जिससे निकालना होता है, उसको कहाँ रखते हैं अपन, नीचे। और इनटू में क्या करेंगे, 100। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी है क्या निकालनी है, 10%। कितना प्रतिशत 10 है ना, कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 को कहाँ रखेंगे अपन, ऊपर। और 40 का, किसका 40 का, ये अपने को पता है पहले से, तो डिवाइड बाय 40 × 100, तो ये कटेगा किसकी बार, 25 बार। तो मतलब 40 का 25% जो है वो है 10। देखें कैसे करेंगे वापस, अगर अपने को 10 कहाँ से आया वो चेक करेंगे, तो 40 का अगर 25% में निकालूं तो कितना हो जाएगा, 25 से चार बार कटेगा और चार से ये कितनी बार, 10 बार कटेगा। देखो 40 का 25% जो है वो कितना आ गया, 10, है ना। तो इजी है ये, अपने को ये पता चल गया अपने को कि किस तरीके से जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको हमेशा अपन क्या रखते हैं, ऊपर। और जो चीज़ दे रखी होती है, मतलब जिसका निकालना होता है, वो क्या रखेंगे अपन, नीचे, इनटू में 100, क्योंकि अपने को प्रतिशत फाइंड आउट करना है। अब टाइप टू में अगर ये क्वेश्चन दे रखा होता है जनरली कि अगर एक्स वाई से ए परसेंट अधिक है, क्या है, कोई दो नंबर है, एक तो है x, एक है y, तो x जो है वो y से a परसेंट अधिक है, तो y x से कितना परसेंट कम है ना। ये क्वेश्चन आता है जनरली, तो इसके अंदर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और x से मान के करते हैं, तो डायरेक्ट अपन याद रखेंगे कैसे, अगर x y से a परसेंट अधिक है तो ये अधिक है, इस वर्ड को जो पहले आ रहा है उसी को अपन ध्यान में रखेंगे, बाद वाला नहीं, है ना, बाद वाला नहीं, पहले जो क्या आ रहा है वर्ड, अधिक वर्ड आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, x y से a परसेंट अधिक है, मतलब क्या लिखेंगे अपन, जितना परसेंट अधिक है उसको यहाँ रखेंगे, डिवाइड में 100 में ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 100 में, पहले क्या आ रहा है वो देखेंगे अपन, अधिक है तो 100 में ऐड कर देंगे, इनटू 100। ठीक है, तो a डिवाइड बाय a प्लस 100 इनटू 100। अब इसके ऊपर क्वेश्चन होगा वो अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ये वर्ड पहले क्या आया अपने, अधिक है, तो ध्यान रखिए इसी वर्ड के ऊपर अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी, तो अपने को ये तो पता चल गया अगर राम की आय उससे अधिक है तो श्याम की आय तो कम ही होगी। तो अपने पहला वर्ड क्या दिखा कि अधिक है, ठीक है, तो जो परसेंट दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे और अधिक है तो 100 में ऐड करके नीचे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 20/100 + 20 × 100, तो 20/120 × 100, 20 से ये 6 बार कटेगा और 6 से 100 कटेगा 16, सही 2/3% में, तो क्या आ जाएगा, अगर अधिक है तो अपन क्या करेंगे, 100 + 20। सेम प्रथम शब्द का अगर कम आ जाता है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखें, अगर राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो पहला शब्द ही अपने को देखना है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कितनी हो रही है, कम हो रही है ना,
तो कम हो रही है तो यहाँ क्या कर देंगे, 100 में से उसको घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 20 बटे हुए 100 माइनस 20 इंटू 100, तो 20 बटे हुए 80 इंटू 100, तो 80 से ये 100 कितनी बार, 25 बार, 80 से सॉरी, तो ये क्या करेंगे, 20 से ये 80 कितनी बार, 4 बार, 20 चौक 80 और 4 से ये 100 कितनी बार घटेगा, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 25%, समझ में आ गया, 20 चौक 80 और 25 चौके 100। अगर कम है तो 100 में से यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, अगर अधिक है तो 100 में यहाँ जोड़ देंगे। ध्यान रखिए प्रथम शब्द ही अपने को देखना है। ये दो टाइप तो अपन देख लिए, अब जो तीसरी टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो देखिए कि किसी वस्तु की कीमत ए रुपए से, कोई रुपए है उससे घटकर बी रुपए हो जाती है ना, कोई वस्तु की कीमत अगर ए रुपए से घटकर बी रुपए हो जाती है तो उसमें प्रतिशत कमी कितनी आ रही है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। किसी वस्तु की कीमत ए रुपए से घटकर बी रुपए हो गई तो प्रतिशत कमी है ना, प्रतिशत कमी। जैसे कि पूछ लिया जाए कि अगर चीनी का भाव 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो जाता है ना, 16 रुपए पर किलोग्राम, मतलब पहले 1 किलोग्राम के 16 रुपए लगते थे, अब 1 किलोग्राम के 12 रुपए लग रहे हैं, तो परसेंट में कितनी कमी आएगी है ना। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखिएगा कि जो घट रहा है उसको घटा दो, तो 16 रुपए से 12 रुपए घट रहा है ना, 16 रुपए से 12 रुपए घट रहा है, तो 16 में से 12 घटा दिया, डिवाइड बाय 16, मतलब चीनी का भाव जो अब है ना, अब 16 से घटकर 12 रुपए हो जाता है ना, तो मूल भाव क्या होगा, 16 रुपए होगा, तो मूल भाव के ऊपर परसेंट बनता है। तो क्या करेंगे, 16 बटे हुए 12 बटे हुए 16 माइनस 12 बटे हुए 16 इंटू 100, 16 माइनस 12 बटे हुए 16 इंटू, तो फ्रेंड्स पता चला अपने को कि 16 में से 12 घटा देंगे और मूल भाव पे ही उस चीज़ की कीमत बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है या घटती है। तो 16 माइनस 12 बटे हुए 16 इंटू 100, तो 16 में से 12 गए तो 4, 4 बटे हुए 16, तो 4 चौक 16, 16 से और 4 से 100 कटेगा 25 बार, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, आए समझ में। तो ये फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर ए से किसी रुपए से कोई घट जाता है तो अपन घटते हैं तो घटा देते हैं और बढ़ जाए तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और नीचे नीचे हमेशा अपना मूल भाव आएगा कि मूल कीमत इसकी क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 में दे रखा है कि अगर कोई भी राशि को अगर दो बार घटाया बढ़ाया जाए तो उसका एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में अगर दो बार बढ़ा रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100 कर देंगे, अगर घटा रहे हैं तो जो भी घट रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपने को कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ए की वैल्यू पहले 4% बढ़ रही है फिर 4% घट रही है, तो देखिए अगर ए की वैल्यू पहले 4% क्या हुई, बढ़ी, फिर 4% क्या हुई, घटी, तो फाइनल परसेंट क्या होगा। तो क्या करेंगे अपन, पहले 4% तो बढ़ी यानी प्लस में हो रहा है और एक बार 4% घटी यानी कि माइनस हो रहा है, तो माइनस 4 और फिर यहाँ पे प्लस करके बताता हूँ मैं, 4 इंटू माइनस 4 डिवाइड बाय 100, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस ही है, तो 4 इंटू 4, ये 4 में से 4 तो चले गए और 4 एक 4 प्लस का एक 4 माइनस का, माइनस प्लस माइनस, और ये वाला प्लस है इसलिए ये क्या हो जाएगा फाइनली माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, 4 चौक 16 बटे हुए 100 है ना, तो फिर क्या हो जाएगा इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 25 चौके 100, तो माइनस 4 बटे हुए 25, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं, है ना, कि अगर एक बार 4% बढ़ रही है एक बार 4% घट रही है तो 4, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे प्लस 4 प्लस माइनस 4, आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस 4 इंटू माइनस 4 बटे हुए 100, ये माइनस 4 मैंने वैसे ही लगा दिया था इसलिए माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 4 और ये माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फाइनली 4 चौक 16 बटे हुए 100 है ना। तो इस तरीके से अगर दोनों माइनस हो तो दोनों जगह माइनस लगा देंगे और दोनों जगह प्लस हो दोनों जगह प्लस लगा देंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इस फॉर्मूले में रख के अपन सोल्व कर सकते हैं। अब टाइप 6
अगर किसी वस्तु की कीमत ए रुपए से घटकर बी रुपए हो जाती है ना, तो कितने प्रतिशत, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जैसे कि ए रुपए हैं पहले और फिर अब बी रुपए हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मेरे उसको उसकी जो खपत है उसको कम कर दूँगा मेरी तरफ से, तो मेरे खर्चा वही का वही रहेगा। तो इसके अंदर मेन चीज़ ध्यान रखिए कि जो बढ़ रहा है उसमें से कम वाले को घटा दो। मतलब पहले ए रुपए था, अब बी रुपए हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसमें से ए को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, और नीचे जो वर्तमान मूल्य है वो लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कैसे, किसी वस्तु के मूल्य में एक्स रुपए की कमी हो जाने के कारण, है ना। अब ये देखिए, एक इम्पोर्टेंट टाइप में आपको बताता हूँ, किसी वस्तु की कीमत में, वस्तु की मूल्य में एक्स रुपए की कमी हो जाने के कारण ए रुपए खर्च करने पर पहले से बी किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप वैसे ही इसके अंदर क्वेश्चन देख के अपन कर लेंगे, डायरेक्ट ही इसके अंदर फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को करना क्या है, है ना। तो यहाँ चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो अपने को ये पूछा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कमी करनी है अपने को, है ना, के खर्च ना बढ़ें। इसलिए यहाँ जो है ये मेन, ये जो फॉर्म, ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू बाद की वैल्यू लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना, तो उसके अंदर अपने को डायरेक्ट परसेंट निकालना था, इसलिए उसने ऐसा नहीं पूछा था कितनी परसेंट कमी करूं या कितना क्या करूं, इसलिए अपन ने डायरेक्ट यहां मूल वैल्यू रखी थी। पर अब क्या है क्वेश्चन में कि अपने को ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की मैं कमी करूं, इसलिए इसको हटाने की, मेरे को कमी बताने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बी जो वर्तमान वैल्यू है वो रखूँगा। इस वाले क्वेश्चन का मैं उदाहरण बाद में बताता हूँ आपको, इससे पहले अपन स्विच करते हैं टाइप नंबर 7 पे। किसी वस्तु के मूल्य में एक्स परसेंट की कमी हो जाती है ना, तो ए रुपए खर्च करने पर पहले से बी किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु थी उसके अंदर कुछ परसेंट की कमी हो गई, तो पहले मैं इतना खरीद पाता था और अब मैं इससे इतना खरीद, ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि किसी वस्तु के मूल्य में एक्स परसेंट की कमी हो जाती है, मतलब कमी हो रही है, और उसमें ए रुपए खर्च करने के पर मेरे बी रुपए अधिक, बी किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा हूँ, है ना। पहले इतना खर्च कर रहा था, अब इतना खर्च कर रहा हूँ और इतना किलोग्राम मेरे अधिक आ रहा है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो ये है कि वस्तु का गिरा हुआ भाव, और एक है कि वस्तु का पहला वाला मूल्य। इसके ऊपर अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी समझिए, ध्यान रखिए, हमेशा जो रुपए अभी खर्च कर रहे हैं उसमें उस किलोग्राम का भाग लगाएंगे, और जो परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है वो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर कमी हो रही है तो ये तो होगा इसका वर्तमान मूल्य, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। बात करते हैं प्रारंभिक मूल्य की। प्रारंभिक मूल्य अगर पूछ लिया जाए तो अगर कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे और बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, है ना, पहले जो कीमत थी उससे 10% की वृद्धि हो गई, तो एक ग्राहक 880 रुपये में 4 रुपये, 4 किलोग्राम कम चाय आती है ना, उसके कम चाय खरीद पाता है। मतलब ये है कि पहले जो कीमत थी उससे 10% ज़्यादा हो गई, तो पहले 880 रुपये में कुछ और ख़रीद रहा था, है ना, पर अब 4 किलोग्राम कम आ रही है। तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले क्या मूल्य था और अब क्या मूल्य है वो पता चलेगा, पर केजी वैल्यू अपन निकालेंगे, है ना, पर किलोग्राम। तो देखिए कि बढ़ा हुआ मूल्य वो फिक्स रहता है, एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, ए ये हो जाएगा, है ना, और बी जितने किलोग्राम है वो ए डिवाइड बाय बी इंटू एक्स, एक्स जो है वो 10% की वृद्धि या कमी जो भी हो रही है वो डिवाइड बाय 100। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको देखते ही अपने दिमाग में पॉइंट हो जाएगा। इसको एक दो बार देखेंगे तो अपन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ईजी है, फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि 880 रुपये हैं, 880 रुपये 4 किलोग्राम कम खरीद रहा है, तो 880 रुपये बटा हुए 4 किलोग्राम इंटू
अब आरम बटा हुआ मूल्य पूछा है तो अपने को इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, x बटे में 100 है ना। तो x कितना है 10% डिवाइड बाय 100, तो 10 से ये कट जाएगा, 0 से ये कट जाएगा, 4 से 28 88 है 22 रुपये, यानी कि बटा हुआ मूल्य जो पर किलोग्राम है वो क्या है 22 रुपये पर केजी है। अब बात करते हैं कि पहले इसका मूल्य क्या था। तो इस जगह यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, जो रुपए दे रखे हैं डिवाइड बाय जो किलोग्राम है ए बटे वे भी इनटू एक्स, एक्स जो है 10% जो वृद्धि हो रही है, अब वृद्धि हो रही है वो बात करी थी मैंने फॉर्मूले में, मैंने कमी बताई थी, कमी थी इसलिए माइनस किया, वृद्धि है इसलिए क्या कर देंगे अपन प्लस, तो 100 प्लस एक्स, तो 880 बटे वे 4 10 बटे वे 110 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 से ये कटेगा है ना 80 बार और 4 से 80 20 रुपए, मतलब पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 20 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक टाइप और देख लेते हैं कि चीनी और पानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ये लास्ट आपको टाइप बताऊँगा, इसके बाद अगला नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे। चीनी और पानी के गोल में ए लीटर गोल है ना, चीनी और पानी का ए लीटर गोल है, इसमें एक्स परसेंट चीनी है, ठीक है समझ में आ रहा है, चीनी और पानी है इसका ए लीटर गोल है, इसके इसमें एक्स परसेंट चीनी हो गई, ठीक है। अब इसको क्या किया अपन ने, गर्म किया, तो वाई लीटर पानी जो है वो क्या है उड़ गया, तो शेष बचे गोल में चीनी का परसेंट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी उलझन, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि यार क्या करेंगे अपन, वाई परसेंट वाई लीटर उड़ गया पानी और अपन कैसे माइनस प्लस करेंगे है ना। तो इसके अंदर कोई नहीं है, चीज़ ध्यान रखिए, एक तो सबसे पहले गोल ए लीटर था, इसके अंदर एक्स परसेंट चीनी थी और वाई लीटर क्या हुआ पानी जो कि उड़ रहा है ना। तो ध्यान रखिए जो गोल है ये ऊपर रखेंगे है ना, जो टोटल मेन गोल था डिवाइड बाय, अगर पानी उड़ रहा है ना कम हो रहा है तो ए में से वाइन कटा देंगे इनटू एक्स, बस बिल्कुल इजी फॉर्मूला मैंने बना दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बटे वे ए माइनस वाई इनटू एक्स है ना। तो जो चीज़ ए है शेष बचे गोल में चीनी का परसेंट ज्ञात करना है अपने को, तो अपन ने क्या किया ए को कहाँ रख दिया ऊपर, ठीक है डिवाइड बाय ए माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि के चीनी और पानी के 12 लीटर गोल में 4% क्या है चीनी है, ठीक है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला है मेरे बनाए हुए फॉर्मूला ही है, तो आप क्या है कि इसको आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपन सेकेंड पार्ट में इसके ट्रेडिशनल मेथड्स भी देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, पर ट्रेडिशनल मेथड अपन एग्जाम में फॉलोअप करेंगे तो अपना टाइम निकल जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपने को डायरेक्ट ही सोल्व करना होता है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको अपन डायरेक्ट सोल्व कर पाएँ, ठीक है। बाकी ऐसे उदाहरण भी देखेंगे जिसको अपन ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे। तो चीनी और पानी के 12 लीटर गोल है, इसके अंदर 4% चीनी है, गोल को कम करने पर 2 लीटर पानी उड़ जाता है, तो शेष गोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो अपने को पता चल रहा है टोटल गोल कितना हो गया 12 लीटर हो गया, 4% चीनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी और 2 लीटर पानी उड़ गया है ना, ये तीनों वैल्यू आ गई। तो गोल को कहाँ रखेंगे सबसे ऊपर, पानी उड़ गया तो 12 माइनस ये जो पानी है वो माइनस कर देंगे इंटू एक्स, तो 12 बटे हुए 12 माइनस 2 इंटू 4, तो 12 बटे 10 इंटू 4 यानी कि 12×48 हो जाएगा डिवाइड बाई 10, तो 4.8% है ना, तो 4.8% इसके अंदर क्या बन जाएगी चीनी बच जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको डायरेक्ट सोल्व किया जाता है, ठीक है। इनको डायरेक्ट सोल्व करने पर मतलब अपने टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अपन इनको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन जो मैं पीछे छोड़ा था मैंने आपको, टाइप नंबर सेवन छोड़ा था मैंने आपसे कि किसी वस्तु की कीमत ए किलोग्राम, टाइप नंबर सेवन ये था, वापस देख लेते हैं, टाइप नंबर सिक्स मैंने छोड़ा था है ना। किसी वस्तु की कीमत ए रुपए पर किलोग्राम से घटकर बी रुपए पर किलोग्राम हो जाए तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च ना बढ़े है ना, मतलब खर्च वो का वही रहे। तो इसके अंदर जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन के चीनी के मूल्य में 18 रुपए, चीनी का मूल्य है कोई है ना,
चीनी का मूल्य 18 रुपये पर किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये पर किलोग्राम हो जाती है, है ना। चीनी का मूल्य क्या हुआ, 18 रुपये पर किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया, 20 रुपये। तो मैं इसकी खपत कितने परसेंट कम कर दूँ, है ना, खपत कितने परसेंट कम कर दूँ कि वो खर्च मेरा ना बढ़े। तो क्या है कि अपने को साफ पता चल रहा है कि 20 रुपये से 18 रुपये कम है, तो क्या करेंगे, 20 माइनस 18 डिवाइड बाय, अब अपने को खपत कम करनी है, यानी कि मेन जो अभी जो वैल्यू चल रही है उसके ऊपर ही ये वैल्यू निकलेगी, तो डिवाइड बाय 20 × 100। आया समझ में, फॉर्मूले में कोई नहीं है, बिल्कुल कमी हो रही है तो कमी कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु में ए रुपये से बढ़कर बी रुपये हो रहा है, ठीक है, मतलब 18 से बढ़कर 20 रुपये हो गया, तो क्या करेंगे, 20 में से 18 को घटा दो, डिवाइड बाय 20 × 100, तो 20 में से 18 गए तो कितना हुआ, 2/20 × 100। तो क्या कर लेंगे अपन इसके अंदर, ये 10 बार और 10 से ये 10%। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर लूँगा, प्लीज़ इसको देखिए, ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि कि ये वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके एग्ज़ाम्स में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से जल्दी ये सोल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको सोल्व करके आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।